नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सबसे पहले नजर डालेंगे पहली खबर पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देव दीपावली के उपलक्ष्य पर पूरे देश को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने वाराणसी के दौरे पर रहते हुए पहला दीप जलाकर देव दीपावली महोत्सव की शुरुआत की और काशी को करोड़ों रुपए की सौगात दी। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री ने काशी और प्रयागराज के बीच 2474 करोड़ की 6 लेन परियोजना का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने कहा कि 6 लेन देव दीपावली पर काशी को एक उपहार है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कभी इतना काम नहीं हुआ है। खजूरी में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि कानून के फायदे भी गिनाए और विपक्ष पर भ्रम फैलाने के आरोप भी लगाए। जनसभा के बाद प्रधानमंत्री ने हेलीकॉप्टर से गंगा किनारे डोमरी पहुंचकर क्रूज से काशी में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण किया। कॉरिडोर से सीधे प्रधानमंत्री विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और बाबा का पूजन अर्चन हुआ। यहां से प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे और देव दीपावली महोत्सव का शुभारंभ किया गया। दीप जलाने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा ध्यान देश की विरासत और संस्कृति बचाने पर है। मोदी ने चीन को भी जवाब दिया और कहा कि चाहे सीमा पर घुसपैठ की कोशिश हो, विस्तारवादी ताकतों का दुस्साहस हो या फिर देश के भीतर देश को तोड़ने वाली साजिशें, भारत आज सबका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि गंगा की अविरल धारा की तरह विकास की गंगा भी यहां बहती रहेगी। पीएम के दीप जलाने के बाद गंगा के दोनों किनारों पर सजे लाखों दीप जगमगा उठे। पीएम ने क्रूज से घंटे भर गंगा के दोनों किनारों पर होने वाले दीपदान का नजारा देखा और सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो का आनंद लिया। पूरे गौरव के साथ सेना तान करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस देश को एक संकल्प के रूप में दिया था, ये सभी उपलब्धियां इस दौरान हमें उपलब्ध हुई हैं। कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की भी बहुत बहुत बधाई। नारायण का विशेष महीना माने जाने वाले पुण्य कार्तिक मास के आपन काशी के लोग कति की पुनवासी कहलन।